स्टार्ट कर दीजिए। चालू है? बताया क्यों नहीं, फिर से स्टार्ट करिए। हाय गाइस, इट्स हर्षित एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है ये है बेसिक कार मेंटेनेंस टिप्स के बारे में। तो ऐसा नहीं होता है कि जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आपको हर बार डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। कभी कभार आप अपनी घरेलू दवाओं के भरोसे भी जी जाते हो, मतलब जैसे बुखार हुआ है तो अपना गए धीरे से वगैरह कॉम्बीफ्लेम वगैरह मार दी सही हो गया। तो वैसे ही इन सब चीज़ों का होता है, क्योंकि ये मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, इनमें तो इनका केयर करना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। और हर बार आप दौड़ के मैकेनिक के पास जाओ, ये मेरे हिसाब से कोई प्रैक्टिकल रीज़न नहीं होता है कि अब आपकी कार में थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम आया है तो आप पहुँच गए मैकेनिक के पास। तो इसीलिए इसमें ज़रूरत होती है, आप मतलब मंथली एक बार ये चीज़ें कर सकते हो देखने के लिए कि क्या कैसा चल रहा है, अपना हालचाल पूछ सकते हो इससे। और इसका हालचाल पूछने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, चाबी, जिससे आपका बोनट खुलेगा। तो मालिक ने जिस कार की मतलब जिनकी ये कार है, सूर्यांश ऑफिशियल जी, तो इसीलिए अभी मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो चाबी दें, तो अगर आपको खोल के दिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो मतलब बेसिक मेंटेनेंस टिप्स में आपको क्या क्या देखना पड़ता है, मैं कुछ चीज़ें पहले बता दूं आपको। आपको अपना सारे ऑयल लेवल चेक करने होते हैं, आपको अपना कूलेंट लेवल चेक करना होता है, जितने फिल्टर्स लगे हुए हैं कार, मतलब इसका एयर का फिल्टर हो गया और आपका एसी का जो फिल्टर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको क्लीन करनी पड़ती हैं। अंदर भी एक फिल्टर होता है जो एसी का होता है, उसको भी आपको देखना होता है कि गंदा ना हो। और अगर आप काफ़ी टाइम के लिए अपनी कार को खड़ी कर रहे हो तो एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपने लगभग हर वीडियो में देखा होगा, अपनी बैटरी को प्लीज़ ध्यान से डिस्कनेक्ट कर दीजिए, वरना आपकी बैटरी जो है वो पूरी तरीके से बैठ जाएगी। और उसके बाद फिर हो सकता है कि आपके पास उस समय कोई धक्का लगाने वाला ना हो, तो फिर आपके लग गए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं बोनेट की तरफ और दिखाते हैं कि आपको बेसिक मेंटेनेंस टिप्स में क्या क्या करना होता है। तो मालिक से इसकी चाबी मिल गई है और अब इसको अनलॉक करते हैं और चलते हैं इसके कॉकपिट में। तो आप जैसे ही अपने कॉकपिट में आओगे, तो आपको अगर आपकी कार अलग है तो आपको मतलब स्विच जो होता है वो कहीं अलग अलग जगह दे रखा होता है। तो इसमें जो ये आप देख रहे हो, ये यहाँ पर ऐसा सेम सब में होता है, मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था कि आप अपने कार के विंडशील्ड का फ्लूइड जो होता है उसको कैसे भरें। तो मतलब उसमें i20 में यहाँ पर दे रखा था, उसको आपने पुल किया था तो खुल गया था। तो मतलब हर कार का जो ये बोनेट खोलने वाला सिस्टम होता है वो सबका अलग होता है। तो इसमें ये यहाँ पर नॉब दिया हुआ है, ये i10 मैग्ना है, ग्रैंड i10 मैग्ना। तो इसको ऐसे करेंगे, क्लिक की आवाज़ छोड़ देना है, उसके बाद चलते हैं इसके बोनेट की तरफ और देखते हैं क्या क्या करना होता है। तो एक बार वहाँ से अनलॉक करने के बाद ऐसा नहीं होता है कि ये उठ जाएगा, ये अभी भी लॉक है। तो उसको आपके अंदर ऐसे फिंगर डालोगे तो आपको एक नॉब टाइप का मिलेगा, उसको आप जब प्रेस करोगे तो आपका जो ये है ये, इसको प्रेस करने से ये रिलीज होता है। और ये किनारे इसका सपोर्ट है, ये यहाँ पर इसका सपोर्ट दे रखा है लॉक, अगर आपका बोनेट लॉक है। अब इसमें आप कुछ चीज़ें देख रहे होंगे, उन कैप्स के बारे में आपको बता दूँ। एक कैप आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, एक ये यहाँ दिख रहा है, एक ये यहाँ पर है, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये लिखा है, इसमें लिखा है इंजन ऑयल। तो अगर ये इंजन ऑयल है तो ये क्या है, तो स्टार्ट करते हैं इसी से क्योंकि ये अलग कलर का दिख रहा है। तो ये होती है इंजन डिप, जिससे आप अपने ऑयल लेवल को मतलब ऑयल लेवल मेजर करते हो कि आपके इंजन में जो ऑयल है कि नहीं, क्योंकि इंजन में ऑयल रहना ज़रूरी है। तो आपको टॉप अप टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा, तो आप महीने डेढ़ महीने में एक बार इसको चेक कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर यूज़ कि आप कितना उस कार को यूज़ कर रहे हैं। तो इसका जो मेन यूज़ होता है वो सिर्फ लेवल का नहीं होता है, ये आपको ऑयल की क्वालिटी में बताता है। क्योंकि जैसे कार वगैरह में तो ऐसा सब अंदर कवर्ड है, बाइक में आप किनारे इंडिकेटर देखते हो तो उससे आपको पता चल जाता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए कार के इंजन में ये डिप भी होती है। तो इसको निकालेंगे और ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ पर, तो इस पर अभी ऑयल लगा हुआ है, जैसा आप ये देख रहे हो मेरे हाथ पे ऑयल आ रहा है। तो इसको भी साफ़ करते हैं, फिर दिखाते हैं कि कैसे इससे काम किया जाता है, मतलब इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो क्योंकि ये इंजन का मामला है तो इसमें आप ऐसा नहीं कि कोई भी कपड़ा उठा करके डाल देंगे, तो आपको एक साफ़ कपड़ा लेना है जिसमें डस्ट वगैरह कुछ ना हो। तो ये कपड़ा परमानेंट इसी काम के लिए यूज़ होता है, इसलिए हम इससे साफ़ कर रहे हैं। और ये आप देख रहे हो ऑयल बिल्कुल क्लियर हो गया इस पर। और ये ऑयल क्लियर करने के बाद जो ये आप यहाँ देख रहे हो, ये है इसका F लिखा है, पता नहीं आप कैमरा में देख पा रहे हो कि नहीं, ये यहाँ पर F लिखा है, इसका मतलब फुल। और ये जो L है इसका मतलब है लो, F है इसका मतलब फुल, और ये इधर आप पता नहीं देख पा रहे हो कि नहीं, L लिखा हुआ है, इसका मींस लो। तो ये डॉट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लो फ्यूल इंजन ऑयल, और मतलब ये वाला जो है ये F वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फुल इंजन ऑयल। तो एक बार डिप लेके आपको दिखाता हूँ, निकालेंगे, देखते हैं ऑयल की ज़रूरत है अभी या नहीं।
तो ये जैसा आप देख रहे हो जो हमारी डिप आई है वो बिल्कुल एफ तक है, मतलब फुल है इंजन ऑयल। ये यहाँ पर ये पूरा अभी पीला हो रखा है, मतलब इंजन ऑयल के कलर का। तो ये जैसा आप देख रहे हो इंजन ऑयल की जो क्वालिटी है वो भी अभी ठीक है, मतलब जो विस्कोसिटी होती है इसकी अभी भी मेंटेन्ड है, बिल्कुल पतला नहीं हुआ है। तो इसको वापस से लगा देते हैं, दैट मीन्स आपको ये नहीं डालना है। और अगर आपका ये जो ऑयल लेवल अगर लो आता है तो आप जो यहाँ पर ये नॉब देख रहे हो इससे खोल करके, जो आप यहाँ पर ये लेवल देख रहे हो इस वाले कैप को आपको खोल करके आपका ऑयल टॉप अप करना होता है। तो अभी हमको ज़रूरत नहीं है तो इसलिए हम इसको नहीं खोल रहे हैं, वापस से डिप को लगा देते हैं इसकी जगह पर। और इसको आपको पूरा अच्छे तरीके से प्रेस करना है, ये नहीं कि बस ऐसे छोड़ दिया, इसको आपको इसमें फिट करना होगा। अब चलते हैं दूसरे कैप की तरफ जो कि है राइट हैंड साइड पे मेरे। और ये जो दो आप देख रहे हो, मतलब इससे आप देख के समझ गए होगे कि ये जो आपको लिखा हुआ है कि जब ये हीट है तो इसको आपको नहीं ओपन करना है, दिखाता हूँ क्यों। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। और इसको खोलने के लिए आपको दो लॉक खोलने पड़ते हैं जो कि इसमें खुद होता है। एक बार आप इसको हल्का सा प्रेस करोगे तो ये तब भी फिर भी टाइट रहेगा, लेकिन एक पोजीशन पे आकर के लॉक हो जाता है। तो ये इस पोजीशन पे भी लॉक हो गया, ये घूम नहीं रहा और ना उठेगा ये। इसके बाद हल्का सा आपको प्रेस करके एक बार और टर्न करना है जब ये पूरा फ्री हो जाए ढक्कन की तरह, तब आप उठाओगे। और ये है अंदर इसका कूलेंट, तो इसको बंद कर देते हैं। मतलब कूलेंट आपका दो तरफ पड़ता है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, रेडिएटर में पूरा फ्लो मेंटेन करने के लिए। तो इस तरफ तो ये फुल है, अब इसको बंद करेंगे वैसे ही नॉर्मल, पहले एक फिर ये दूसरा, और ये लॉक है। इस वाले के लिए तो आपको पूरा मेजर दिख रहा है यहाँ पर, मैक्सिमम और मिनिमम का एक मेजर दिया हुआ है। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हो जो F लिखा है ये फुल है, और ये जो है ये लो है। तो इस वाले जो बॉक्स में ये आपका कूलेंट है लो हो गया है, तो इसमें क्योंकि कूलेंट के साथ साथ कंसंट्रेट बढ़ता है तो इसमें अभी ज़रूरत नहीं है, तो इसमें हम पानी डाल करके इसका लेवल बढ़ा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर बार पानी डाल करके इसको फिल करोगे, कुछ टाइम बाद आप इसका कूलेंट चेंज कर दोगे जब आपको लगने लगे कि बिल्कुल पतला हो गया है। तो जैसा अभी मैंने नीचे आपको दिखाया था कि इसका कूलेंट का लेवल इस तरह, मतलब इस कंपार्टमेंट में कम है, तो इसमें हम पानी से इसका टॉप अप करेंगे क्योंकि अभी कूलेंट नया है इसमें। तो ये आप देख रहे हो नीचे यहाँ पर ये मैक्स लेवल पे आ गया है, और मैक्स मैंने पूरा नहीं भरा, थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए क्योंकि हीट होने के बाद एक्सपैंड करता है, तो इसलिए इसको बंद करेंगे। और अब चलते हैं वाइपर वाले सेक्शन की तरफ। तो कूलेंट वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब आते हैं दूसरे एलिमेंट की तरफ जो कि इसके अंदर है, जिसको बोलते हैं एयर फिल्टर। तो एयर फिल्टर के लिए कुछ लोगों को मैंने देखा है कि ये वाली क्लिप भी अपना पूरा ढीली करके उसको खोल के पूरी बाहर निकालते हैं, फिर ये कैबिनेट को, मतलब जो पूरा ये ब्लॉक है इसको बाहर खींचते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कंपनी की फिटिंग है, और इसको ढीला करना या बार बार ये रबर खोल करके टाइट करना, उससे भी रबड़ भी कटेगी, तो आपका जो ऑयल, मतलब जो एयर इनटेक है वो यहाँ से इंजन लेने लगेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा इस एयर फिल्टर और इसके इतने बड़े होज देने का। तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको खोलो। आप ये ऐसे क्लिप दोनों तरफ होती हैं, इनको खोलोगे हल्का सा अपनी तरफ खींच के, और इसको टर्न करके आप इस पर ऐसे लगा दोगे, और ये आपका एयर फिल्टर दिख रहा है। तो क्योंकि ये आप देख रहे हो अभी साफ़ है इसलिए हम इसको नहीं निकालेंगे, लेकिन अगर ये गंदा दिख रहा है आपको, क्योंकि अगर ये पूरा भी वाइट है, अगर आपको गंदा दिख रहा होता तो मेरे हिसाब से इसको साफ़ कर देना चाहिए निकाल करके। आप या तो कंप्रेस्ड एयर से या किसी, मतलब जो हवा वाली जो मशीनें होती हैं उनसे साफ़ कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी चीज़ से टैप करेंगे तो वो सारी डस्ट झड़ जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ गीला वाला ऐसा होता नहीं, डस्ट ही चिपकी होती है इन सारे रेशों में, तो वो साफ़ हो जाएगी। तो ये अभी साफ़ है, इसको नहीं छेड़ेंगे, जैसा इसमें ऑयल और ये सारी चीज़ें भी सही हैं इसलिए मैं कुछ करके नहीं दिखा रहा हूँ। और कूलेंट अभी कम था इसलिए मैंने कूलेंट डाला, तो इसको बंद कर देते हैं और चलते हैं अपने तीसरे एलिमेंट की तरफ जो कि है आपका ब्रेक ऑयल वाला सेक्शन और वाइपर वॉशर फ्लूइड वाला सेक्शन। तो इसको बंद करने के लिए भी आपको हल्का सा ऐसे टर्न करना है, और ये वाले जो आपके हैं ये आगे जाकर क्लिप में सेट होते हैं, तो हल्का सा प्रेस करेंगे और उसके बाद ये दोनों तरफ जो लॉक है उसको लगा करके बॉडी को लॉक कर देंगे। अब चलते हैं इस तरफ जो ये आप देख रहे हो, इसमें एक वार्निंग आपको लिखी दिख रही होगी, वॉशर ओनली। जो आप देख रहे हो ये अगला वाला जो पार्ट, उसमें आपको ये देख रहे हो आप यहाँ पे लिखा है फॉर वॉशर ओनली, दैट मीन्स इसमें जो आपका विंडशील्ड वॉशिंग फ्लूइड है वो जाता है। तो ये भी कम हो गया है, कम क्या एक तरीके से कह सकते हैं ख़त्म हो गया है, तो इसको भी दोबारा से रिफ़िल करेंगे। इसको रिफ़िल करने के लिए आप अपने
नॉर्मल घर के पानी में लोग डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर्मल पानी से भी काम चल जाएगा। कॉलिन भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर कॉलिन अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल अपना कोई भी शैम्पू यूज़ करके इसको फिल कर सकते हैं। तो इसको भी भरते हैं। उसके पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ जो इसके जस्ट ऊपर होती है, ये है आपका ब्रेक ऑयल। और इसको भी चेक करने का जो तरीका है, उसको आप खोलोगे और आपका जो ऑयल लेवल है वो पूरा ऊपर तक दिखता है। इसमें आप ये देख रहे हो जो ऑयल हिल रहा है, ये जो आप देख रहे हो ऊपर, इसमें शेक हो रहा है, मतलब इसमें ऑयल अभी पूरा है, इसमें भरने की ज़रूरत नहीं। अगर ये कम है तो आप ब्रेक फ्लूइड भी इसके अंदर डालोगे जब तक आपका ये मैक्सिमम लेवल तक नहीं आ जाता। तो इसको बंद कर देते हैं, अभी ये लॉक है। तो अब चलते हैं इसकी तरफ और इसमें पानी डाल के दिखाता हूँ आपको। तो वाइपर वाले एरिया में, क्योंकि मैं पानी अभी इसलिए डाल रहा हूँ, उसमें शैम्पू या कुछ ऐसा इसलिए नहीं मिक्स किया है क्योंकि इसमें पहले से कॉलिन भरा हुआ है और वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। तो मैं नहीं चाहता कि शैम्पू वगैरह मिक्स होकर के कुछ हार्ड बन जाए, तो इसलिए इसमें नॉर्मल पानी डालेंगे। और ये जैसा आप देख सकते हो पूरा भर गया है, और इसको ये मैक्स लेवल है, मैक्स लेवल तक नहीं भरेंगे पूरा क्योंकि जब कार हिलती है तो ये हो सकता है किनारे से लीक करे, इसलिए इसको यहाँ मैक्स से थोड़ा सा नीचे करके और इसको बंद कर देंगे। बाकी जो अगर कार वॉशर फ्लूइड पूरा कैसे घर पे बनाते हैं और कैसे इसको फिल करने का प्रोसीजर तो सेम है, लेकिन आप घर पे कैसे बना सकते हो बिना किसी महंगी चीज़ के, तो उसका लिंक यहाँ ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, वहाँ से जाकर के इस वीडियो के बाद आप देख सकते हो। तो इसके साथ साथ आप ये वाला जो देख रहे हो, ये एच जिस पे लिखा है, ये जो है आपका ये एसी की गैस के लिए है। जैसा आप इसमें देख सकते हो सिलेंडर टाइप का नॉब दिया हुआ है, तो इसमें आपकी एसी की गैस जाती है। इसको बंद कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ जो अभी मेरे से छूट गई वो है बैटरी, जो कि सबसे मेन पार्ट होता है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपकी गाड़ी काफ़ी टाइम के लिए खड़ी हो रही है तो आपको अपनी बैटरी डिस्कनेक्ट कर देनी चाहिए, वरना पूरी डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर आपको धक्का वाला सीन करना पड़ेगा। और इसमें भी जंग लग जाता है इस वाले एरिया में और इस वाले इनके टर्मिनल्स पे। तो इसमें जो आप ये ब्लू अभी एक लेयर देख रहे हो, ये जो उसका बैटरी टर्मिनल स्प्रे आता है वो उस पर लगा हुआ है, क्योंकि अभी सर्विस पर गई थी तो इसका इंजन ऑयल भी है पूरा, एक महीने पहले सर्विस होके आई है, तो अभी भी वो इसमें लगा हुआ है क्योंकि तब से बारिश की वजह से ज़्यादा अभी निकली नहीं, अभी बरसात शुरू हुई तो ये बाहर निकलना शुरू हुई है, तो इसलिए बेसिक मेंटेनेंस चेकअप ज़रूरी था इसका निकलने से पहले। तो इस पर ये जो आप ब्लू देख रहे हो, ये टर्मिनल जो बैटरी टर्मिनल स्प्रे आते हैं वो है, WD का भी आप ले सकते हो, बाकी अलग को अगर कोई ब्रांड है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हो। और इस पर ये स्प्रे की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि ये बैटरी है और ये ऑक्सीडाइजिंग मतलब रिएक्शन होता है इसमें, तो ये जितना भी है इसका टर्मिनल है, ये सारे के सारे मेटल पार्ट्स होते हैं, तो ये सारे ऑक्सीडाइज होकर के यहाँ पे जंग लगने लगेगा, इसलिए है। और ये इसको इतनी सेफ्टी से देकर, इसको इतनी सेफ्टी से ना देकर जो वजह है वो ये है कि अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल आपकी गाड़ी के किसी भी मेटालिक पार्ट से टच हो गया तो फिर तो ऊपर वाला ही बचा है आपको। तो इस वाले एरिया में हम इसलिए आए हैं क्योंकि जो आपका एसी का फिल्टर होता है वो अंदर होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो एसी के फिल्टर के लिए आपको ये खोलना है और ये दोनों तरफ से आप प्रेस करोगे तो ये साइड में जो क्लिपिंग लगी होती हैं आपका ये वाला एरिया पूरा नीचे चला जाएगा। और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो के लिए, जो आप यहाँ पर ये क्लिपिंग देख रहे हो, इसको आपको खोलना है और ये पूरी बाहर आ गई, इसको नीचे रख देते हैं। और ये यहाँ पर ये जो है इसको आप पकड़ोगे तो ये रहा आपका एसी का फिल्टर और ये पूरी आपकी एसी की यूनिट है। तो देखते हैं इसकी, ओहो तो ये काफ़ी साफ़ सुथरा आया है अंदर से, पता नहीं ये जो आप देख रहे हो ये क्या है। तो ये किनारे जो ये स्पंज होती है ये सड़ रही है, तो इसीलिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है बेसिक मेंटेनेंस की, और इस वजह से आपकी जो एयर है वो भी एक तरीके से कह सकते हैं फ्रेश नहीं आ रही है। और कुछ टाइम बाद ये पोर्स बंद हो जाएंगे तो आपका जो कूलिंग की इंटेंसिटी है वो भी कम हो जाएगी। तो अभी इसको चेंज करने की बजाय अभी इसको साफ़ कर लेते हैं ऐसे ही, और साफ़ करके लगा देंगे, जैसे ही गाड़ी कहीं बाहर निकलती है तो फिर इसको चेंज कराना पड़ेगा। तो इसको भी हमने साफ़ कर लिया है पानी से, और पूरी तरीके से ड्राई करने के बाद ही आप इसको लगाओगे। तो इसको आप वापस से लगाएंगे, इसको वापस से इसमें लगा करके, और जो इसका लॉक था वो ये वाला उसके उधर वाले खांचे में जाएगा, और क्लिप है वो इसमें, वापस से इसको बंद करेंगे दोनों तरफ से दबा के, और ये बंद, बस इतना सा काम था। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें करने से आप अपनी कार की लाइफ और आपके इंजन की लाइफ को बढ़ा सकते हो, और आप शायद वो शिकायत ना करो कि
कोई ऐसी कंपनी ले ली जिससे झेलना पड़ रहा है। तो ये इसीलिए होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी कार अच्छी है, कुछ लोग बोलते हैं मेरी कार में दिक्कत आने लगी। वो दिक्कत इसीलिए आती क्योंकि वो पूरी तरीके से मैकेनिक पे डिपेंडेंट होते हैं, खुद की मेहनत को छोड़ करके। तो इतना ही काम था इसमें, बाकी कुछ नहीं करना होता है। हर चीज़ देखिए, साफ करिए, जिसको ज़रूरत है उसको टॉपअप करिए और उसके बाद सब काम कम्प्लीट। अब इसको बंद करते हैं बोला और इसको वापस इसके सपोर्ट में लगाएंगे और ये यहाँ पे छोड़ के प्रेस लॉक की आवाज़, बोनट आपका लॉक हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी होगी और ऐसे ही आप बाकी लोगों से शेयर करें जिनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए और जो ख्याल रखने वाले हैं उन तक ये वीडियो को पहुँचाइए जिनको अपनी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा प्यार होता है, क्योंकि पैसे लगा के सारी चीज़ें आती हैं, फ्री में तो आती नहीं। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, और ऐसी पूरी सीरीज़ है मेरे चैनल पे आने वाली। और अभी जैसे मैंने वाइपर फ्लूइड के ऊपर पूरी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, उसको मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और आई बटन डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, कहीं से भी आप जाकर के चेक कर सकते हो। टिल देन, ड्राइव सेफ, ड्राइव हार्ड।